here the variance covariance matrix of multivariate normal distribution आपको पता है कि किसी भी distribution के basically जो parameters होते हैं हमने उसको determine करना है तो normal का parameter है mu and variance इसी तरह हमने multivariate में देखना है कि multivariate के parameter को भी हम estimate कर रहे हैं here the variance covariance matrix of multivariate normal distribution mu आपके पास parameter है और multivariate normal में next हमारे पास parameter है sigma

डायगनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू आपको पता है कि डायगनल एलिमेंट्स हमारे सिग्मा के क्या है, है और ऑफ डायगनल हमारे पास कोवेरियंज है नॉन डायगनल एलिमेंट ऑफ मेट्रिक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स पार एक्स आई माइनस एक्स पार प्राइम यानी ये आपके पास है नॉन डायगनल कोवेरियंसिस ज दस ऑफ आई एत एंड जीएत रेंडम वेरिएबल एक्स जे एंड एक्स आई एंड एक्स जे अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन अगेन अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या की एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल टू सी जी पी डी एफ आपको पता है कि मल्टी वेरियर नॉर्मल का पी डी एफ क्या है उस पी डी एफ में हमने अगेन वो किया एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल टू सी सी नौ सीगमा यह आपके पास सेगमा है ना एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू किसकेक्वल है सी जी एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू सी जी ट्रांसपोर्ज अब फर्दर हमने इसका क्या किया इसका ट्रांसपोज ले लिया तो सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोर्ज अब आपके पास फर्दर क्या है एक्सपेक्टेशन अप्लाई की एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई होनी है वेरिएबल पे वेरिएबल पे हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लिया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी जी प्राइम और दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर वन नाउ द एफ ऑफ जी यानी पी डी एफ ऑफ जी पी डी एफ ऑफ जी प्रीवियस में हमने मीन में ये प्रूफ किया हुआ है, एफ ऑफ जी किसके इक्वल है पाए कैपिटल पाए आई विर इज वन टू पी टू पाए माइनस वन बाय टू ई रेस टू पार माइनस जी स्क्वेयर टू बाय टू ये हमारे पास एफ ऑफ जी है फर्दर दियत एलिमेंट ऑफ दिस आइए जियत एलिमेंट यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी जी प्राइम चाहिए हमें कि ये किसके इक्वल है Is, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई एथ एंड जे एथ यूनिट की हम निकालते हैं इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कैसे होता है आपके पास यूनिवेरिएट में क्या आती एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई एक्स जे अगर लेना है हमने तो साम डबल समू इट्स प्रोबिलिटी सिमिलरली यूनिट इन टू इट्स प्रोबिलिटी ये उसका पी डी एफ है एफ ऑफ जी हमने प्रीवियस देखा है ना यूनिट एज इट इज एफ ऑफ जी की वैल्यू एंटर कर दी यहाँ पे ये हमने एफ ऑफ जी की वैल्यू एंटर हो गई ना एक्स आई एक्स जे इक्वल्स टू दिस वन दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन वन है इफ आई इक्वल्स टू जे अब हमने क्या किया आई इक्वल्स टू जे तो फिर क्या होगा अब आप देखो आई इक्वल्स टू जे यानी ये जी आई और ये जी जे की जगह आई इक्वल्स टू जे ये भी जी आई हो जाएगा तो जी आई इंटू जी आई क्या बन गया जी आई स्क्र इक्वल्स टू इंटीगर एज इट इज है ये सारी वैल्यूज हमारे पास एज इट इज हो गई अब जी आई क्योंकि आई इक्वल्स टू जे है तो जी आई जी आई आई स्क्र बन गया है यहाँ पे जी आई इंटू जी आई हमारे पास क्या हो गया आई स्क्र और आगे आपके पास इधर से हमने क्या किया है एक्सपोनेंशियल की ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है और देन रिमेनिंग हमारे पास पाए के साथ ये वैल्यूज़ चली गई ठीक है फर्दर हमारे पास इंटीग्रल हमने आयत वाली अलग कर ली है रिमेनिंग इंटीग्रल हमारे पास अलग हो गया तो आयत में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ थी तो इसमें से आपके पास क्या हो गई ये ये वैल्यूज़ भी आपके पास आ गई यहाँ पे फर्दर इसको भी हमने यहाँ पे लिखना है ठीक है ये भी आ गया तो आपके पास वन ओवर टू पाए अंडर रूट और ये आपके पास सारी आ गई आयत वैल्यूज अब रिमेनिंग हमारे पास हैं जे इक्ल्स टू वन बट आई इज नॉट इक्वल्स टू जे रिमेनिंग वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास अब फर्दर आगे रिमेनिंग वैल्यूज आ गए सो so, यहाँ पे आप देखो ये ऑर्ड ऑर्डर नहीं है क्योंकि इसकी पावर स्क्र है बाकी फंक्शन तो उसी तरह ही है बट अब इसकी पावर देखो यहाँ पे आ रही है स्क्यर इट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन यहाँ अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल का आंसर वन है अब ये वन कैसे आ रहा है नाउ लिमिट इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू पाई माइनस वन बाई टू दिस इज द द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व एंड इक्वल्स टू यूनिटी वी नो दैट द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व विच इज इक्वल्स टू वन इक्वल है इसलिए हमने यहां पे वन लिखा है ये क्योंकि आपके पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व की वैल्यू आ गई नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई स्क्र दिस विच इज इक्वल्स टू दिस वन अब फर्दर यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये इंटीग्रल आपके पास है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आपको पता है टोटल इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है टोटल एरिया भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी है उसको हम अब ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक में हमने क्या किया क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ जीरो टू इन्फिटी हमने वैल्यूज ले ली है. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को हमने ब्रेक कर लिया दिस इज दी ट्वाइस टाइम ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी लिया जी आई स्क्र एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपिनशियल ऑफ माइनस जी आई स्क्र ये आपके पास वैल्यू हो गई और यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है क्योंकि हमने इंटीग्रल को यानी कि लिमिट को हमने ब्रेक किया तो ट्वाइस टाइम ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी फर्दर अब हमने क्या किया कि जो एक्सपिनशियल की पावर में है इसको हमने लेट कर लिया जी आई स्क्र ओवर टू विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आई जी आई स्केयर की वैल्यू क्या होगी इन टू टू डब्ल्यू आई जी आई है हमने जी आई चाहिए तो जी आई विच इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ टू डब्ल्यू आई इसका आपने डेरिवेटिव लिया है डी जी आई तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर टू डब्ल्यू स्केयर रूट ऑफ डी डब्ल्यू आई जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ गया टू डब्ल्यू पावर वन बाई टू माइनस वन तो माइनस वन इसको हमने सॉल्व किया तो इसका ये डेरिवेटिव आ गया। सो जी आई स्क्र विच इज इक्वल्स टू टू ओवर टू पाए स्केर रूट लिमिट जीरो टू इंफिनिटी यहाँ पे अब आपने फर्दर यहाँ पे हमने क्या किया जी आई स्क्र तो जी आई स्क्यर की वैल्यू क्या थी टू डब्ल्यू आई और एक्सपोनेंशियल ऑफ़ जी आई स्क्यर की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो हम एंटर करें दिस इज दू डब्ल्यू आई ई की पावर माइनस डब्ल्यू इन टू दिस ये डेरीवेटिव की वैल्यू आ गई है फर्दर टू आपके पास इंटीग्रल से बाय तो फोर टू इंटू टू ये टू स्केर रूट ऑफ दिस इसको हमने बाय लिए आपके पास फर्दर आ गया डब्ल्यू आई की पावर यहाँ पे देखो ना डब्ल्यू आई की पावर वन बाई टू है इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो डब्ल्यू आई ये पावर ऊपर गई इसकी पावर वन माइनस वन बाय टू तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो डब्ल्यू टू माइनस वन बाई टू एंड विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू वन बाई टू ये आपके पास डब्ल्यू आई की वैल्यू आ गई ई माइनस डब्ल्यू आई इंटू डी डब्ल्यू आई अब इसको कैंसिल आउट करने के बाद टू लिमिट ज़ीरो टू इंफिनिटी ई माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर वन बाई टू डी डब्ल्यू अब ये देखो ये आपके पास क्योंकि जीरो टू इन्फिनी की वैल्यूज जा रही हैं तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई की जो वैल्यूज है इसमें हम इसको गैमा फंक्शन बना रहे हैं तो गैमा कैसे बनता है गैमा फंक्शन कैसे बनता है वन बाई टू प्लस वन तो इसे हमने फर्दर सॉल्व किया है वन बाई टू प्लस वन तो वन प्लस टू बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू गैमा थ्री बाई टू यह आपके पास आ गया गैमा थ्री बाई टू अब गैमा थ्री बाई टू इसको फर्दर सॉल्व करना है तो गैमा थ्री बाई टू जब हम गैमा से उसको फाइंड करते हैं कि गैमा को हमने अब रिमूव करना है तो गैमा से जब हम बाहर आ रहे हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होगी थ्री बाई टू माइनस वन सो थ्री बाई टू माइनस वन इसको सोल्व किया फर्दर थ्री माइनस टू बाई टू और गैमा यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस टू बाई टू बेसिकली हो गया वन बाई टू ये देखो आपके पास आ रहा है वन बाय टू और फिर अंदर आ रहा है आपके पास वन बाय टू स्केयर रूट तो गैमा वन बाई टू गैमा वन बाई टू किसके पल होता है आपके पास वन ओवर टू स्केयर रूट फर्दर अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करने के बाद ये आ गया और वन बाई टू ये फर्दर आ गया वन बाई टू और इसकी वैल्यू हमारे पास वैसे ही वन बाई टू जो आता है ना गेमा गेमा वन बाई टू बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है पाए अंडर रूट के तो वन बाई टू गेमा ये आपके पास फर्दर हम इसे सॉल्व करें तो वन बाई टू गेमा जो है वो पाए अंडर रूट के इक्वल आ रहा है विच इज़ इक्वल्स टू वन कैंसिल आउट होके वन के one पर हो गया और ये कब केस है वैन आई इक्स टू जे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई जी जे की वैल्यू आई इफ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे फिर क्या उसका इफेक्ट होगा वो हमने चेक करना है इफ़ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे द इक्वेशन ए ये इक्वेशन ए नहीं है बेसिकली ये इक्वेशन वन है तो इक्वेशन वन हम अगेन कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन ए की जगह ये इक्वेशन वन है इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे दैन इक्वेशन वन बिकम अब हमने देखना है कि i इज नॉट इक्वल टू जे इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू अप टू सो ऑन इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यूनिट इन टू इट फंक्शन अब उसी तरह सपोज हमने उसी तरह किया आई एथ यूनिट हमने पहले ले लिया है देन हमने जे यूनिट लिया है उसके बाद हमारे पास यूनिट आया क्योंकि हेयर इस आई इज नॉट इक्वल टू जे तो पहले हमने जी आई की फॉर्म में लिखा है ये सारा जी आई की फॉर्म में फिर जी जे की फॉर्म में देन हमारे पास जी आई जी जे आ गए तो रिमेनिंग यूनिट हमारे पास ये आ गए हैं रिमेनिंग यूनिट अब आयत ये आयत वाली आ गई ये टर्म जेयद की हमारे पास आ गई ये रिमेनिंग यूनिट है अब आप यहाँ देखो ये क्या है ऑड पावर ऑड पावर है यहाँ तो आपके पास वेरिएबल है नहीं ठीक है तो ऑड पावर किसके इक्वल होता है विच इज इक्वल्स टू जीरो सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई जी जे विच इज इक्वल्स टू जीरो और जीरो किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि ये भी ऑड है इसकी भी जीरो आंसर इसका भी जीरो आंसर और रिमेनिंग आपके पास ये वैल्यू बच गई अब जब हम इनसे सबको मल्टीप्लाई करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आई जी जे वेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे विच इज इक्वल्स टू जीरो फिर दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी जी प्राइम को वेरियंस है ना जी जी प्राइम विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू आई एथ यूनिट में ले लें तो वी नो दैट कि डायगनल एलिमेंट हमारे पास कौन से होते हैं विच इज इक्वल्स टू वेरियंस ऑफ डाइगनल हमारे पास जीरो के इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फ्रॉम इक्वेशन वन को वेरियंस ऑफ मैट्रिक्स इज सेंस ये आपको पता है हमने पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में हमने देखा है सी ए सी प्राइम आइडेंटिटी यहाँ से ए की वैल्यू अब ए की वैल्यू हम डिटर्मिन कर रहे हैं यहाँ से तो सी ट्रांसपोज इनवर्स क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है ना तो में आएगा और ये वाली वैल्यू भी आपके पास इन्वर्स में आ गई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है वन का है तो ये आइडेंटिटी हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या इसे इससे मल्टीप्लाई करो वो वन ही होगा सो सी प्राइम सी ये सी सी ट्रांसपोज इनवर्स ये हमारे पास एक इक्वल है सो सी सी ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स क्योंकि सी सी ट्रांसपोज की हमने वैल्यू ली ए इनवर्स विनो दैट दी सी ट्रांसपोर्स विच इज इक्वल्स टू सेगमा इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए सो द को वेरियंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू सिग्मा यानी कि अब हमें मीन वैक्टर हमारे पास क्या था म्यू के इक्वल और को वेरियंस मेट्रिक्स जो हमारे पास है विच इज इक्वल्स टू सिगमा सो एक्स इज द मल्टीवेरियंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैक्टर म्यू एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स सेगमा ये उसके पैरामीटर्स हमने डिटर्मिन कर लिए